हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के जो बीएमएस के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ बताऊंगा और उनका फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा। उसमें भी इस वीडियो में मैं आपको नागपुर में जो जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी फीस और उनकी कट ऑफ बताऊंगा। आगे आने वाले वीडियोज में मैं एक एक करके एक एक सिटी का, एक एक डिस्ट्रिक्ट का, ऐसे जितने भी बीएमएस के प्राइवेट कॉलेजेस है महाराष्ट्र में उनकी कट ऑफ और उनकी फीस स्ट्रक्चर बताते रहूंगा। मैंने ऑलरेडी मुंबई एंड पुणे के बीएमएस के जो कॉलेजेस है उनका कट ऑफ एंड फीस स्ट्रक्चर बता दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो ताकि आपको सारा जो भी अपकमिंग वीडियोस है उसका अपडेट मिलता रहे, काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट मिलता रहे, सब कुछ पता चलते रहे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस साल का नीट का, तो इस साल जो नीट का रिजल्ट आया है उसमें जो रैंक है वो काफ़ी हाई रही है। ठीक है, तो कैसा है कि इस साल कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाने वाला है। तो बहुत से स्टूडेंट को क्या होता है, जिनको बीएमएस करना है या जिनको बीएमएस लेना है, उनके थोड़े कम मार्क्स से उनको बीएमएस लेना है, तो उनको क्या प्रॉब्लम था कि गवर्नमेंट में अगर किसी तरह नहीं हो पाता है तो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के भी अच्छे ऑप्शन है और महाराष्ट्र में काफ़ी प्राइवेट बीएमएस कॉलेज है जो कि एक अफोर्डेबल फीस में है। तो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नागपुर के जो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज है उनकी कट ऑफ की। तो इस कॉलेज का नाम है एसकेआर पांडव आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर। ठीक है, और इस मेनली तो फीस होता है, इस कॉलेज की जो फीस है वो 1,62,000 है। ठीक है, और ये जो भी मैंने डेटा है ये डेटा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है। आप चाहो तो इसको महासिटी.org पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नीट यूजी कट ऑफ 2022, उसमें आपको ये डेटा मिल जाएगा, सारे बीएमएस का, एमबीबीएस का, सबका डेटा मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो डेटा है ये लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट का है, मतलब मॉपअप या स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जो लग गया था कैंडिडेट को, ये वो डेटा है। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जो भी लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट को लगा है कॉलेज मॉपअप तक, वो वाला डेटा है। ठीक है, अब बात करते हैं इस कॉलेज की कट ऑफ की। तो लास्ट टाइम ओपन में 349 मार्क्स पे कॉलेज लग गया था। ठीक है, रैंक आपको मैंने लिखा है बाजू में, आप रैंक देख सकते हैं और रैंक से कंपेयर कर सकते हैं। मे भी आपको ये भी कॉलेज मॉपअप तक लग सकता है, आप अपने रैंक से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओपन में 349 पे लग गया था, ओबीसी में देखे तो ये कॉलेज 345 मार्क्स पे लग गया था लास्ट टाइम, एससी में देखे तो इसका कट ऑफ काफी हाई दिख रहा है। ठीक है, 360 मार्क्स पे लगा था ये कॉलेज, एसटी में देखे तो 222 मार्क्स पे कॉलेज लग गया था, बीजे में देखे तो 352 पे, एनटीबी में देखे तो 347 मार्क्स पे कॉलेज लगा था, और एनटीसी में देखे तो 336 मार्क्स पे कॉलेज लग गया था। फिर दूसरा जो नागपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, बीएम आयुर्वेदिक महाविद्यालय नागपुर। इस कॉलेज की जो फीस है वो है 1,85,000। ठीक है, ये कॉलेज का फीस है। अगर कैटेगरी वाइज इसमें लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट देखे तो ओपन में लास्ट टाइम 316 मार्क्स पे कॉलेज लग गया था, ओबीसी में देखे तो 339 मार्क्स पे कॉलेज लगा था, एससी में देखे तो 325 मार्क्स पे कॉलेज लग गया था, एसटी में देखे तो 185 मार्क्स पे कॉलेज लगा हुआ था, वीजे में देखे तो 371 पे लगा हुआ था ये कॉलेज, एनटीबी में देखे तो 336 पे कॉलेज लग गया था, एनटीसी में देखे तो 328 पे, और एनटीडी में देखे तो ये कॉलेज 337 पे लग गया था। ठीक है, अब अगर आपसे मैं बात करूं नेक्स्ट जो कॉलेज है नागपुर में उसका नाम है दत्ता मेघने आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर, ये प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज ये भी है। ठीक है, इसकी जो ईयरली फीस है वो 1,71,000 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज इसमें लास्ट टाइम कितने कितने मार्क्स पे कॉलेज लगा था, तो ओपन में 395 मार्क्स पे कॉलेज लग गया था, ओबीसी में 388 पे लग गया था, एससी में देखे तो 346 मार्क्स पे लगा था ये कॉलेज, एसटी में देखे तो 120, बीजेए में देखे तो 247 पे लग गया था, एनटीबी में देखे तो 404, एनटीसी में देखे तो 406 और एनटीडी में देखे तो 364 पे कॉलेज लग गया था। तो ये मैंने आपको नागपुर के जो तीन कॉलेजेस थे उनका फीस बता दिया और साथ में उनका कट ऑफ बता दिया लास्ट ईयर का, कितने कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, साथ में मैंने बाजू में रैंक भी लिख के रखा है तो आप वो रैंक भी देख सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि सर कौन सा कॉलेज लगने का चांस है, आपको किस रीजन में चाहिए, वो भी आप मेंशन करो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज है तो एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप मेंशन करो कि आपको किस रीजन में चाहिए या कौन सा कॉलेज चाहिए, वो कमेंट करो तो मैं आपको सजेस्ट
कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और कॉलेज है नागपुर में जिसका नाम है जुपिटर आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है। बट इस कॉलेज का जो ऑफिशियल डेटा है कट ऑफ का, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पे जो पीडीएफ है उसमें नहीं दिया है इसके कट ऑफ का, इसीलिए मैंने उसका कट ऑफ का डेटा नहीं बताया। बट इसकी जो फीस रही है वो 1,21,000 थी, ठीक है। तो जुपिटर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, तो ये मैंने पूरा आपको नागपुर के जितने आयुर्वेदिक कॉलेजेस थे उनकी कट ऑफ और उनका फीस स्ट्रक्चर बता दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा के रखो, ताकि आपको आगे भी जो भी कॉलेजेस का मैं बताऊंगा या जो भी अपडेट आएगा काउंसलिंग रिलेटेड वो आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।